Sorry, Ravi. I'm late here. Oh, it's okay. Tarun, क्या बात है तुम उठ क्यों गए इस कुर्सी से? अब इस कुर्सी पर सुनीति बैठेगी। तो क्या वो भी आई तुम्हारे साथ? नहीं। नहीं? ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे लग रहा था कि जरा भी वक्त जाया किए बगैर वो आज ही ऑफिस ज्वाइन कर लेगी ताकि वो टेक ओवर कर ले दर्पण को, अपने दर्पण को। तुम ठीक कह रहे हो, ये बात तुम्हारी सही है। तो फिर आखिर वो आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? कहीं तुमने तो उसे मना नहीं किया? मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं? मैं होता कौन उसे मना करने वाला? तुम उसके पति हो तरुण। अगर तुम अपनी पत्नी से ये कह सकते हो कि वो किसी और के साथ जाकर अपना घर बसा ले, तो तुम उससे ये भी कह सकते हो ना कि वो तुम्हारे साथ ऑफिस ना आए। वो कोई और नहीं है रवि, वो अभय है। क्यों तरुण, क्यों चाहते हो तुम ऐसा? क्योंकि मैं काजल से प्यार करता हूं और सुनीति प्यार करती है अभय से। सुनीति अभय से तब भी प्यार करती थी जब तुमने उससे शादी की थी। वो अब भी अभय से प्यार करती है और अभी वो अभय से मिलने गई है। क्या? हाँ रवि, मुझे इस बात की खुशी है कि वो दोनों एक साथ हैं। तरुण, सुनीति बस यही मानती है कि तुम उसके पति थे, हो और रहोगे। मैं सुनीति को कैसे समझाऊं कि? समझाने की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है। मैं तो समझ चुका हूं कि सुनीति मुझसे प्यार नहीं करती है और शीतल भी समझ चुकी है कि अभय उनसे प्यार नहीं करता है। क्या शीतल ने सुनीति को रोहिणी आंटी की वसीयत के बारे में बताया? नहीं, वो बता नहीं पाई है। सुनीति अभय क्या जो चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनीति अभी तक ये नहीं जानती कि दर्पण हमेशा के लिए उसका हो चुका है और इसीलिए वो ऑफिस नहीं आई। अंदर आने के लिए नहीं कहूंगी। तुम अकेली आई हो? और कौन आता मेरे साथ? अगर तुम्हारा पति तरुण जो ये चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। और तुम चली हो? मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा ही इंतजार था। मैं जानता था तुम जरूर आओगी तृप्ति से मिलने। हाँ, तृप्ति तुम्हारी बेटी। हमारी बेटी सुनीति, हमारी बेटी जिसे मिलने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तरुण तुमसे जो चाहे कहे, अपनी पत्नी का धर्म निभाते निभाते तुम एक माँ भी हो सुनीति। तृप्ति की माँ। कैसी है तृप्ति? अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी ना? याद करती है मुझे? मैंने उसे कभी भूलने नहीं दिया। जाओ सुनीति, उससे मिलाओ, वो अंदर कमरे में है। तुम नहीं आओगे? नहीं, मुझे कहीं बाहर काम से जाना है। तो सचमुच बहुत प्यार करता है सुनीति से। हाय लोटे गुड्डी। हाँ।
ये आज के बाद तरुण साहब के कमरे में सुनीति मैम सब रहेंगी कि फिर काजल मैम सब रहेंगी है? ए गुड्डू, मैं क्या तेरे साथ गेम शो खेल रही हूँ जो तुम मुझे सवाल पूछता है? इसका सही जवाब जानते हैं तरुण साहब, उनको फोन फ्रेंड करूँ? अभी तेरे को लॉक कर दूंगा, फोन रख। तरुण साहब ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया है, मुझे लगता है कि तूने सुना नहीं लगता। मैंने नहीं सुना, कौन सा जवाब? तरुण साहब तो बोल दिए हैं कि शादी के बाद है ना सुनीति मेम साहब अभय साहब के घर पे ही रहने वाली है। हाय लॉर्ड, ऐसे कोई बोलता है अपने भाई के बारे में? तरुण साहब ने तो ऐसे ही बोला। बोल। हाँ, अबे सुनीति मेम साहब का क्या? तो अभी तू बता। अगर तू उसकी जगह पे होती तो तू क्या करती है? मैं बकरी है क्या? मैं क्या कर रही है? अरे चुप ना गुड्डू, मैं अपने घर और घर वाले को छोड़ के कहीं नहीं जाती। गुड्डू के बिना गुड्डी होए कोई दिवस? क्या बात है, मतलब तू बाहर वाले को बाहर से निकाल देती है ना। देखो क्या लगता है, सुनीति मेम साहब भी ऐसा करेंगी? सुनीति मेम साहब को ऐसा करना चाहिए लेकिन वो करेंगी नहीं। क्या? कितनी अच्छी है, मतलब कितनी भोली है, वो ऐसा विलेन जैसा काम नहीं कर सकती। मुझे पता नहीं था माँ कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं, जैसे सुमन दीदी, दीपक जीजू, रवि, मीरा, अभय, तरुण सब। आपसे तो मैं मिली नहीं, शायद मेरी नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं था। लेकिन अगर आप होती ना तो आपकी आंखें सुनीति की असलियत जरूर पहचानती थी। सुनीति, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम कब आई, कहीं बाहर गई थी? मैं तृप्ति से मिलने गई थी, शीतल को बताकर गई थी मैं। उसने तुम्हें बताया नहीं? हाँ बताया ना, उसने तरुण को बताया कि तुम अभय से मिलने गई हो। हाँ, इत्तेफाक से तृप्ति अभय की बेटी है, उसी के साथ रहती है। तृप्ति को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं तृप्ति को यहाँ ले आऊं, उसकी माँ से मिलाऊं, ताकि तृप्ति को माँ और पिता से अलग ना होना पड़े, तीनों एक साथ मिलकर रहे जैसे तुम तीनों, तरुण, खुशी और तुम। काजल, मैंने फैसला किया है, आज से मैं यही रहूंगी माँ के कमरे में। सुनीति, तुम्हारी जहां मर्जी तुम इस घर में रह सकती हो, ये घर तो तुम्हारा ही है ना? हाँ काजल, ये घर भी मेरा है और इस घर के लोग भी मेरे हैं, बस कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। कौन किसे अपनाना चाहता है, कौन किसे ठुकराना चाहता है, ये तो तुम्ही को तय करना है सुनीति। ठीक कह रही हो तुम काजल, ये तो मुझे ही तय करना है, लेकिन मैं तब तय करूंगी जब मैं जान जाऊंगी कि ऐसी कौन सी बात है जो शीतल मुझे बताना चाहती है। सुनीति, मैं तुम्हें बताऊंगी वो बात। माँ ने एक वसीयत बनाई थी। वसीयत? हाँ सुनीति, और माँ की उस वसीयत के मुताबिक। सुनीति, तुम कब आए? सुनीति, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मिलाई मेरी बेटी से? याद करती है वो मुझे या फिर भूल गई अपनी माँ को? तृप्ति बिल्कुल ठीक है शीतल, और अभय वो कैसा है, कुछ कहा उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। सुनीति, तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में और मुझे बताओ कि तुमने उससे क्या कहा और अभय ने तुमसे क्या कहा। चलो। कहा ना, अभय और मेरे बीच कोई बात नहीं हुई। तुम चलो तो सही। जाओ सुनीति, शीतल दी ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जो मैं तुम्हें बताने वाली थी।
शायद वो ही तुम्हें बताएगी, है ना शीतल दी? मेरी भाभी को मुझ पर इतना विश्वास जो है। तुम सोचा तुम्हें इन पेपर्स की जरूरत होगी, देने चला आया। क्या है ये? तलाक के पेपर्स, शीतल के साथ तुम्हारे तलाक के पेपर्स। कमाल है, पर लोगों को भी अजीब अजीब चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है। कुछ लोग पुराने स्टैम्प्स इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग पुरानी बोतलें इकट्ठा करते हैं, पर हमारी शीतल वो तलाक के पेपर्स इकट्ठा करना पसंद करती है। अब सबसे पहले उसने अपने पहले पति से तलाक के पेपर्स इकट्ठे किए, अब मुझसे यानी कि अपने दूसरे पति से तलाक के पेपर्स इकट्ठा करना चाहती है। और कुमार, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि तुमसे वो शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि वो तुमसे भी तलाक के पेपर्स इकट्ठा कर सके। उसने अपने पहले पति को तलाक इसलिए दिया ताकि वो तुमसे शादी कर सके, मगर वो एक गलती थी। अब वो गलती सुधारने के लिए वो तुमसे तलाक चाहती है। और मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। फिर तुम सुनीति को कैसे पाओगे? मैं उसे पाना ही नहीं चाहता कुमार। और ये मत भूलना कि सुनीति तरुण की पत्नी और तरुण की पत्नी ही रहेगी। गलत, गलत कह रहे थे। वो तरुण की पत्नी नहीं रहेगी, क्योंकि तरुण उसे तलाक देने वाला है। नहीं, नहीं कुमार, तुम झूठ बोल रहे हो। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। कुमार, तरुण ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि सुनीति उसे बेहद चाहती है। और तरुण काजल को चाहता है, और काजल उसे चाहती है, मगर सुनीति सिर्फ तुम्हें चाहती है, इसलिए वो तुमसे मिलने आई थी यहाँ पर, और बार बार आती रहेगी जब तक तुम उसे अपना नहीं लेते, जिस तरह तुमने उसे पहले अपनाया था, शादी से पहले प्रेग्नेंट करके। कुमार, तुम यहां से चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ कुमार, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। ले लो जान मेरी। वैसे भी अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो शीतल को तलाक दे दो या मेरी जान ले लो, क्योंकि शीतल के बगैर मैं नहीं जी सकता। काबिल होनहार पुलिस ऑफिसर को अपने अपने हाथों की कठपुतली बनाती है। अच्छा हुआ दीपक जो तुम यहाँ चले आए, सुमन के सामने तो तुम अपना दिल भी हल्का नहीं कर सकते। सुनीति आई थी और चली भी गई। थोड़ी देर के लिए एक दिल में उम्मीद की किरण जागी थी सपना कि मेरे बाद सुनीति संभाल लेगी सुमन को, लेकिन अब तो ये भी मुमकिन नहीं लगता। हाँ, पहले वो अपने आप को तो संभाल ली। यही सोचकर सुमन का कहना है कि उसे वहीं रहना चाहिए, अपने ससुराल, अपने पति के पास। दीपक, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने सुनीति को अपने घर रोक लिया सुमन के खातिर, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तरुण को हमेशा के लिए खो बैठेगी। तरुण तो ये चाहता है कि वो अभय के साथ अपना घर बसा ले, लेकिन सपना, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। ये उनकी आपस की बात है दीपक, वो तरुण के घर रहे या अभय के, उसे तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो सपना? अब नहीं, मेरा मतलब है, अगर सुनीति तरुण के साथ रहेगी तो शीतल अभय और सुनीति को कभी एक नहीं होने देगी। After all, अभय उसका पति जो है। इतनी सीधी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती? मेरे यहाँ होते हुए मेरा पति तुमसे कभी मिलने नहीं आएगा, तभी तो कह रही हूँ। जाओ जाकर अपनी बहन के यहाँ रहो, जहाँ जब चाहो तुम अभय को बुला सकती हो मिलने के लिए। शीतल, शायद तुम भूल रही हो,
सुमन दीदी मेरी बहन ऐसा होने नहीं देगी। ओ हाँ, तुम दोनों ने सीधी राह पर चलने का ठेका जो ले रखा है ना? एक काम हो सकता है। क्या? मैं तुम्हें इस घर से निकाल देती हूँ। क्या? हाँ, फिर बेझिझक अभय मुझसे मिलने आ सकता है। मेरा पति भी तो यही चाहता है ना? फिर सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलेगा शीतल। इसीलिए कहती हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? I like that. मेरा घर, मेरा पति, लगता है बहुत ऊंचा उड़ रहा है तुम्हारा दिमाग। जमीन पर आ जाओ गायत्री, वरना इस तरह गिरोगी कि दोबारा कभी उठ नहीं पाओगी। मत भूलो कि तुम्हारा वजूद मेरी मुट्ठी में, मत भूलो कि ये घर मेरा है, और कभी नहीं भूलना कि तुम सुनीति हो ही नहीं। अब तो सब ये मानते हैं कि मैं सुनीति हूं, और ये बात साबित भी हो चुकी है। तुम भला कैसे साबित कर दोगी कि मैं सुनीति नहीं हूं? असली डीएनए रिपोर्ट जो है मेरे पास, डॉक्टर सपना मित्तल ने तो नकली डीएनए रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर। ये कैसे साबित करोगी? लेकिन मैं ये साबित कर सकती हूँ कि सपना के पास ऐसी कौन सी वजह है नकली रिपोर्ट बनाने की। कौन सी वजह? वो ये नहीं चाहती है कि तुम दीपक के यहाँ रहो। क्यों? बहुत सवाल पूछती हो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देकर थक गई हूँ। वजह है प्यार। हर मुसीबत की वजह बस ये कमबख्त प्यार तो है जो सपना दीपक से करती है, जो तरुण काजल से करता है, जो तुम अभय से करती हो, जो अभय तुमसे करता है, और कुमार करता है मुझसे। तो तुम किससे प्यार करती हो शीतल? ओफो, फिर एक सवाल। इस सवाल का जवाब तुम खुद ही ढूंढ लो, या फिर सब्र रखो, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द। पता तो मुझे चल ही जाएगा शीतल, लेकिन पहले मैं उस बात का तो पता कर लूं जो तुमने काजल को मुझसे कहने से रोका। मां की वसीयत से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं। लेकिन उस दिन काजल तो कह रही थी कि वकील साहब शीतल को वसीयत की एक कॉपी भेजते। आपके पास वसीयत है? ठीक है, मैं वकील साहब से मिलकर यह पता करती हूं कि वसीयत में ऐसा क्या लिखा है।